हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एक्सप्रेशन है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस फॉर अमलगमेशन मर्जर। अमलगमेशन मतलब दो फर्म अलग अलग ज्वाइन होता है, ये मर्ज होता है ना, तो उसके लिए अपन को सबसे पहले गुडविल निकालना पड़ता है। तो गुडविल क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट, जिसकी मॉनिटरी वैल्यू रहती है, राइट। गुडविल होता है फर्म में। तो गुडविल के अलग अलग मेथड है। तो एक मेथड है डिफरेंट मेथड, जिसमें गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। एक है सुपर प्रॉफिट मेथड बोल सकते हैं, एक वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, एक वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस है, राइट। तो आपको क्या करना है, गुडविल का मीनिंग लिखना है, और इधर क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरा फॉर्मूला ना, वो फॉर्मूला की वैल्यू डाल देने का, राइट। और तुमको एक चीज़ बता दो, ठीक है, और आपको क्या समझ में नहीं आया कि क्या लिखना है ना, तो आपको गुडविल के ऊपर ऐसा एक सम आएगा, राइट, ये दिख रहा है सम आएगा ना, तो आप उसको ना चेंज करके पैराग्राफ बदल के समझा सकते हो कि दिस आर दी एग्जाम्पल ऑफ गुडविल है ना। तो जैसे सीमा लिखा है, तो अब तुम क्या रीमा लिख देना, राइट। जब लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है तो रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता है, फिर उसके बाद वैल्यूएशन फाइंड करना पड़ता है, फिर इंटरेस्टिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, यील्ड वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर इंटरेस्टिंग वैल्यू का आपको फॉर्मा लिख देने का। इंटरेस्टिंग वैल्यू का क्या लिख देने का? आपको फॉर्मा लिख देने का। इंटरेस्टिंग वैल्यू का फॉर्मा क्या है? नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना। तो नेट एसेट कैसे निकालते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करते हैं। अब नाम लिख के डैश डाल सकते हैं, क्रॉस करके ऐसे दिखा सकते हैं। दिस आर दी एग्जाम्पल ऑफ गुडविल ऑफ ट्रीटमेंट इन बाय वे ऑफ इंटरेस्टिंग वैल्यू। अगर सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मा डाल देने का ना। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मा क्या है? फ्यूचर मैनेजेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट गुडविल, ये सब फॉर्मूला डाल के तुमको आंसर लिखना है, ठीक है, ये बताने का था। जैसे एक क्वेश्चन है, आप उसको घुमा फिरा के डाल सकते हैं, है ना। गुडविल बेसिकली क्या था? इंटेंजिबल एसेट रहता है। ये सब वैल्यू अलग अलग मेथड्स के नाम इधर दिया रहेगा, राइट। इंटरेस्टिंग से शेयर्स का वैल्यू मालूम पड़ता है, सुपर प्रॉफिट से उसकी गुडविल की रियल वैल्यू मालूम पड़ता है, राइट। और बिजनेस का वैल्यू के लिए अपने को फॉर्मूला डाल देने का, क्या डाल देने का? फॉर्मूला। ये इंटरेस्टिंग वैल्यू, यील्ड वैल्यू है ना, और फेयर वैल्यू बोलना था, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 हो जाता है, राइट। तो ये सब चीज़ तुम लोग लिख सकते हैं, राइट। और क्या ऐड करना है अगर तुमको तुम्हारा काम आसान करना है तो? ऐड करने के लिए एक चीज़ और दे देता हूँ, एक पेज के अंदर ये देखो, है ना, ये फॉर्मेट बना देने का। एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करेगा तो क्या आता है तुम्हारा? इंटरेस्टिंग वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट बना देने का, एक सेकेंड, बच्चे लोग निकालता हूँ। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गया, राइट। हाँ, तो गुडविल तो इंटेंजिबल है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मेन टॉपिक किधर है बल्टी? मेन मिल जा, एक सेकेंड ना। हाँ, तो कोई भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं तो मोटिव ये रहता है कि शेयर प्राइस बढ़े, कंपनी का ग्रोथ हो, अच्छा परफॉर्मेंस हो, डिविडेंड अच्छे से देने के लिए कंपनी गुडविल की वैल्यू निकालती है। मैनेजमेंट कैसे है, यही सोचते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़े ताकि बिजनेस की वैल्यू हो। तो गुडविल किस पर इम्पैक्ट होता है? जब कोई कंपनी ज्वाइन होता है, मर्ज होता है या अमलगमेशन होता है, तब गुडविल की वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। बस तुमको फॉर्मूला डाल के कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम में उसको एक्सप्लेन करा देने का वन वर्ड्स में, ठीक है। इस तरह का तुम लोग क्या कर सकते हैं? गुडविल का आंसर शॉर्ट नोट्स तुम लोग बना सकते हैं।